वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और अभी तक टीम ने जितने भी मुकाबले खेले हैं उनमें टीम को एक तरफा अंदाज में जीत हासिल हुई है। लेकिन हमारे पड़ोसियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। अब तक तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा है इसलिए हार गए। कभी कहा जाता है कि टीम इंडिया के गेंदबाजों को अलग गेंद ही दी जाती है, अलग कोटिंग हो जाती है गेंदों पर ताकि जब हमारे गेंदबाज गेंदबाजी करें तो उन्हें एक्स्ट्रा मदद मिले। अब इस पर हम क्या ही बोलें, बस हंस सकते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जो इस विश्व कप में आग उगल रहे हैं उन्होंने अब अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी बात रख दी है। आपको पता ही है कुछ दिन पहले हसन रजा साहब का एक स्टेटमेंट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था जो उन्होंने एक क्रिकेट शो के दौरान बोला था, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इंडियन गेंदबाजों को अलग गेंद दी जा रही है गेंदबाजी करते हुए। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि गेंद पर एक अलग कोटिंग हो रही है जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि गेंदों की इंस्पेक्शन होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया है और शमी ने इसी वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए अपनी बात कही। शमी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो न कि फालतू बकवास पर। कभी तो दूसरों की सक्सेस को इंजॉय किया करो यार, ये ICC वर्ल्ड कप है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं है और आप प्लेयर ही थे ना। आगे शमी ने लिखा, वसीम भाई ने समझाया है, एक्सप्लेन किया था, फिर भी अपने वसीम अकरम पर यकीन नहीं है आपको, अपनी तारीफ करने में लगे हैं जनाब, आप तो जस्ट लाइक अ वाव। बता दें कि हसन रजा के इस स्टेटमेंट के बाद वसीम अकरम ने उन्हें निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से आप सिर्फ मजाक बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका दिमाग सही जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे गेंद का चुनाव होता है और साथ ही गेंद स्विंग कैसे होती है इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। अब आप सभी का इस पर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स और वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।